इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान। गठबंधन सरकार ने इलाहाबाद उपचुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च किए। एक वोट के लिए लगाई गई 5 से 15 हजार रुपए की बोली। कर्मचारियों को ट्रांसफर की धमकी दी गई और मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ, ये बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए गए। एक वोट के लिए 5 से 15 हजार रुपए तक की बोली लगाई गई। खरीद फरोख्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, गरीब लोगों को लालच देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत पैसा बांटा। लोग तो ये कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार ने इस चुनाव में खर्च किया, इस एक चुनाव, एक सीट के चुनाव में, एक सीट के चुनाव में। ये आम लोगों की जुबान पे है और आम लोगों के नहीं, सोशल मीडिया पे आज भी आप जा करके यूट्यूब पे कहीं देखोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, जो चलाने वाले हैं सोशल मीडिया में, वो दिखा देंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उस पर यकीन, उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अगर आप पेश करेंगे आने वाले वक्त में कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बहुत सारे सबूत मैंने इलेक्शन कमीशन को दिए, इलेक्शन कमीशन को वीडियोग्राफी करके भी हमने दी। हमने उनसे बताया किस जगह पे पैसे बांटे जा रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजो। इलेक्शन कमीशन भी मूक दर्शक हो गया। में बैठे लोग जो है, उन्होंने सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। 5 हजार से लेकर के 15 हजार रुपए तक एक एक वोट की बोली लगाई गई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान, बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। खबरें अभी तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने इलाहाबाद उपचुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये बयान दिया है उनकी ओर से और 100 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर उन्होंने कहा कि एक वोट के लिए 5 से लेकर 15 हजार रुपए तक की बोली लगाई गई। कर्मचारियों को ट्रांसफर की धमकी तक दे दी गई। ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, कर्मचारियों को ट्रांसफर की धमकी दी गई। इसके अलावा मतदाताओं को डराया गया और मतदाताओं को धमकाया भी गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हर तरह का प्रयास इन्होंने किया, खरीद फरोख्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, गरीब लोगों को लालच देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत पैसा बांटा। लोग तो ये कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार ने इस चुनाव में खर्च किया, इस एक चुनाव, एक सीट के चुनाव में, एक सीट के चुनाव में। ये आम लोगों की जुबान पे है और आम लोगों के नहीं, सोशल मीडिया पे आज भी आप जा करके यूट्यूब पे कहीं देखोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, जो चलाने वाले हैं सोशल मीडिया में, वो दिखा देंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उस पर यकीन, उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अगर आप पेश करेंगे आने वाले वक्त में कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बहुत सारे सबूत मैंने इलेक्शन कमीशन को दिए, इलेक्शन कमीशन को वीडियोग्राफी करके भी हमने दी। हमने उनसे बताया किस जगह पे पैसे बांटे जा रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजो। इलेक्शन कमीशन भी मूक दर्शक हो गया। में बैठे लोग जो है, उन्होंने सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। 5 हजार से लेकर के 15 हजार रुपए तक एक एक वोट की बोली लगाई गई।